अच्छा, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन 3.8 स्टार्ट करने से पहले हमारे पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है, इक्वेशन हमारे पास जो इक्वल टू जीरो आए या समथिंग कोई इक्वल टू आ जाए, इक्वलिटी उसके अंदर आए हमारे पास। तो इसमें हमारे पास ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें डिफरेंशियल आए, मतलब डेरिवेटिव आए। फॉर एग्जाम्पल वो इस तरह भी हो सकती है, जैसे आपके पास ये बुक में लिखी है डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, ये सिंगल ऑर्डर भी हो सकती है, डबल ऑर्डर भी हो सकती है। डबल ऑर्डर मतलब जिसमें सेकेंड डेरिवेटिव आए, प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, डेरिवेटिव इसमें हमारे पास हो सकता है पहले फर्स्ट ऑर्डर का भी हो सकता है और उसके हायर ऑर्डर का भी हो सकता है। इसी तरह मतलब nth डेरिवेटिव भी आ सकता है हमारे पास, जिसमें nth डेरिवेटिव भी हमारे पास आ सकता है। आगे कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग ओनली डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल, सो वी कैन राइट द इक्वेशन, इसको लिख सकते हैं, कहता है y dy प्लस 2x dx। अब ये कैसे लिखते हैं ये देखें, ये लिखते हैं dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास होगा 2x ओवर y। ये देखें ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन थी इसको रीअरेंज किया उसने कैसे। अब ये देखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या बन जाएगी, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बन जाएगा माइनस टू एक्स, और ये जो है हमारे पास इधर y है, बल्कि ये जो y है इधर आके नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। अब ये देखें, y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा y डी वाई माइनस टू एक्स, और डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस टू एक्स डी एक्स, और ये इधर आके हमारे पास अगेन y डी वाई प्लस टू एक्स डी एक्स। ये वाली जो उसने कहा है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन को हमने सोल्व करके ये लिखा है डिफरेंशियल फॉर्म में। आगे जो इसके नीचे लिखी हुई है ना डेफिनेशन दो, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है इसमें ऑर्डर और एक होता है इसमें हमारे पास डिग्री। ऑर्डर और डिग्री में क्या डिफरेंस क्या है, ऑर्डर कहता है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ इसका ऑर्डर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का ऑर्डर हमारे पास आएगा मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना आ रहा है टू, तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा, ये एमसीक्यूज आता है पेपर में, ऑर्डर होगा इसका टू। ऑर्डर होता है मैक्सिमम डेरिवेटिव, जो भी मैक्सिमम डेरिवेटिव आ रहा है मतलब सबसे बड़ा डेरिवेटिव, अगर चार है तो उसका ऑर्डर चार होगा, अगर पांच है तो इसका ऑर्डर पांच होगा। एक होता है ऑर्डर और दूसरा होता है हमारे पास डिग्री। अब इसको ना थोड़ा सा इधर क्लैरिफाई करते हैं, ऑर्डर और डिग्री में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्डर बेसिकली होता है हमारे पास मैक्सिमम डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द इक्वेशन एंड द पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव इन द इक्वेशन, वो डिग्री होती है ऑर्डर और डिग्री। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ क्वेश्चन डी, ये वाली क्वेश्चन प्लस ये इक्वेशन मैंने लिख दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी है सिंपल कोई भी ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने चेक करना है इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है। ऑर्डर की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव जो भी आ रहा हो। अब ये देखें, ये पहला डेरिवेटिव है, ये दूसरा डेरिवेटिव है, ये तीसरा डेरिवेटिव, इसका मतलब इसका ऑर्डर थ्री होगा। मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा आ रहा है, थ्री, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर थ्री है। अब मैक्सिमम डेरिवेटिव की जो पावर होगी ना वो इसकी डिग्री होगी। अब नॉर्मली ये होता है, हम देखते हैं कि डिग्री ये होगी कि जो मैक्सिमम आ रही है। हमने बोला अभी डिग्री की डेफिनेशन ये बोली है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर, मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर। अगर लेट्स सपोज इधर इसकी पावर कुछ भी ना होती तो इसकी डिग्री कितनी बननी थी, वन।
अब इधर मैंने लिखा हुआ था इसकी डिग्री टू, तो इसका मतलब इसकी डिग्री हमारे पास मैक्सिमम डेरिवेटिव की डिग्री हमारे पास पावर कितनी आ रही है, टू, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, टू। क्लियर हुआ? अली क्लियर हो गया? यस सर। ओके। ऑर्डर और डिग्री में दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट कर दिया है। ऑर्डर हमारे पास बेसिकली होता है मैक्सिमम डेरिवेटिव जो आ रहा है कितना है क्वेश्चन में आ रहा है, और मैक्सिमम डेरिवेटिव की जो भी पावर होगी तो वो हमारे पास उसकी डिग्री कहलाएगी। तो इसी तरह अगर पहला डेरिवेटिव, पहले डेरिवेटिव आ रहा है सिंगल एक डेरिवेटिव आ रहा है उसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कहेंगे, अगर दो आ रहा है तो उसे सेकंड, तीन आ रहा है तो थर्ड, इसमें फर्स्ट और सेकंड ही आएगा। आगे आगे इसकी एग्जांपल्स फिर आती हैं सर हमारे पास। जीरो सॉरी जी सर जीरो जी जीरो ऑर्डर या जीरो डिग्री हो सकते हैं इसमें? ये फॉर एग्जांपल लिखो, आप पूछ रहे हो जीरो ऑर्डर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है सिंपल, मतलब ये वाली है, इसमें आ ही नहीं रहा हमारे पास ऑर्डर, उसका है ही नहीं कुछ, जीरो ऑर्डर होगा, डेरिवेटिव हमने लिया ही नहीं, डेरिवेटिव कुछ आ ही नहीं रहा, और डिग्री उसकी वो भी जीरो हो जाएगी। वो तो हमारे पास है ही ना, वो ट्रीवियल सोल्यूशन होता है हमारे पास, और ट्रीवियल सोल्यूशन में हमारे पास वो वाला जीरो जीरो वो आएगा नहीं जब उसका मतलब कंसेप्ट नहीं आया, हमारे पास है ही नहीं उसका ना, मतलब डेरिवेटिव नहीं है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी तो उसका ऑर्डर नहीं आएगा। सही हो गया सर। हाँ ये देखो ना, हम जीरो डेरिवेटिव तो पढ़ा ही नहीं हमने, हमने डेरिवेटिव कहाँ से स्टार्ट किया, हमने डेरिवेटिव स्टार्ट ही की यहाँ से किया है डी वाई बाई डी एक्स से, मतलब इधर भी वन इधर भी वन, जीरो वाला तो नहीं होगा, ये तो इधर से क्लियर हो गया। और इसकी पावर, इसकी पावर अगर हम जीरो लेंगे, आपको पता है किसी की भी पावर जीरो लें तो उसका आंसर वन बन जाता है, तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो वो तो हमारे पास वो रहेगा नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन, वो तो आंसर वन दे देगा अगर क्वेश्चन में इस तरह होता है। ठीक हो गया। अब आते हैं हम आगे, इसकी कंडीशंस होती हैं इनिशियल कंडीशंस, जैसे आप लोगों ने इसकी इनिशियल कंडीशन उसमें डिस्कस की थी ना, इसका जो 3.7 एक्सरसाइज थी उसकी इनिशियल कंडीशन उसने साथ मेंशन की हुई थी कि मतलब ये इनिशियल कंडीशन टू से अपर और लोअर लिमिट जो होती है हमारे पास वो कहाँ से कहाँ मूव करती है। अच्छा अभी इनिशियल कंडीशन हमारे पास होती हैं, कहता है द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इन्वॉल्विंग द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द गिवन कंडीशन, सच कंडीशन आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल कंडीशन इस तरह की दी होती है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट दे देते हैं, इन्वॉल्व होता है मतलब उस इक्वेशन में ना, उसमें कंडीशन दे देते हैं सी इक्वल टू जीरो है या ए इक्वल टू जीरो है, उसमें मतलब उस क्वेश्चन के मुताबिक होंगे, तो उधर से हमने वो कंडीशन सारी मतलब ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास इनिशियल कंडीशन पुट करने के बाद आएगा। फिर कहता है द जनरल, ये जब क्वेश्चन करेंगे ना ये वाला, तब कंसेप्ट इसका ज्यादा क्लियर हो गया, बुक में इसकी थ्योरी लिखी हुई है ज्यादा। कहता है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होती है, एक होता है मिक्स्ड में जिसमें हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल आते हैं, और इसमें हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती है, कंटेन ओनली वन वेरिएबल, जिसमें हमारे पास वन वेरिएबल ही होगा, मतलब एक्स और वाई आपस में नहीं आएगा, कट्ठे नहीं आएंगे, मतलब सेपरेबल होगा, डिफरेंट होगा हमारे पास में। तो आगे हम करते हैं फिर बिस्मिल्लाह, इसका ना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका कौन सा है, दानिश स्कूल का सुना है आपने, सर दानिश पब्लिक स्कूल या दानिश स्कूल? नो सर। यार ये जो आते नहीं इनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो जलावाला में भी है, सेंटर ऑफ देख एक्सीलेंस ये है लेंगे। ना सेमी गवर्नमेंट टाइप होते हैं, इनमें पे होती है मतलब आपकी स्टार्टिंग पे होती है 40,000,
और ये 5-6 माह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद आपकी पे चले जाती है 70,000। उसमें ये वाला सवाल लाजमी आता है, 3 पॉइंट एक्सरसाइज नंबर 3.8। मैंने देना था इसका पेपर लेकिन मैंने दिया ही नहीं था, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट साइड में मतलब हो गई थी जॉब। तो इसमें ना इसके जो स्टेटमेंट्स लास्ट में स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। मतलब जब आप इन केस अगर जाते हैं इसमें, तो ये वाले सवाल आपने छोड़ने नहीं है स्टेटमेंट्स वाले। उसमें मतलब वो वाले सवाल पूछता है जो जो हम मतलब इधर नहीं ना करते। इसमें स्टेटमेंट वाले तो कोई भी नहीं है, वो सिंपल है वो। लास्ट में देखो ना। ठीक 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 ठीक। अच्छा अभी इसका कौन सा क्वेश्चन है सर? वो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सर जी, वो है नहीं स्मार्ट सिलेबस में वो। हां चलो ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा अभी इसमें ना बेसिकली हमने करना क्या होता है, आपको वो स्टार्टिंग में लिखवाया था ना ये वाला फंक्शन, अगर हमारे पास 2x² सिंपल x² है, तो जब इसकी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास बनता है 2x। अब ये वाले फंक्शन हमारे पास 2x और ये बन जाता है, मतलब डिफरेंशियल लिया तो ये बन गया 2x dx। अब 2x dx उसने पेपर में दे देना है हमें, तो ये फाइंड आउट करना है हमने ओरिजिनल फंक्शन, इसकी वो साइड हमने इंटीग्रेशन ले लेनी है। इंटीग्रेशन लेंगे तो ये बन जाएगा x² / 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ सी। तो इधर से हमें पता लग जाता है कि इसका ओरिजिनल फंक्शन कौन सा था, वो ये वाला था। अब इसी तरह ये क्वेश्चन दिया हुआ डिफरेंशियल फॉर्म में, अब इसका हमने इंटीग्रेशन लेनी है। इंटीग्रेशन लेने के बाद हमने देखना है कि ये किस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया, तो जिसका जवाब ये बनना है। क्लियर हुआ ना? मतलब ये है डेरिवेटिव लेके फॉर्म हमारे पास, मतलब सॉल्यूशन उसका दिया हुआ है, तो अब हमने इंटीग्रेशन लेके देखना कि ये फंक्शन कौन सा है जिसका ये डेरिवेटिव लिया है, वो चेक करना है हमने। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास 1 क्या हो गया, दूसरी तरफ मूव हो गया, -1 दूसरी तरफ जाके हो गया +1। अब इधर से क्या आ रहा था, x² दूसरी तरफ जाके क्या, मतलब इसमें आपने सेपरेबल कहा था ना, उसने सेपरेबल मतलब इसमें आपने मिक्स नहीं करना y और x को, x के वेरिएबल अलग कर देने हैं, y के वेरिएबल अलग कर देने हैं, दोनों वेरिएबल्स को सब आपने सेपरेट सेपरेट कर देना, मिक्स नहीं करना। तो इसमें हमारे पास ये देखें 2y + 1 और इधर से 1/x² dx। अब ये देखें, अभी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी बोथ साइड, ये बन गया फंक्शन वो वाला जो अभी मैंने लिखा था इधर x² वाला। अब ये फंक्शन वो बन गया हमारे पास, अब उस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन करनी है ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, तो ये ऊपर जाके पावर इसकी क्या बन जाएगी, -2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया y के इंटीग्रेशन, प्लस इधर से हमारे पास सिंपल 1 की इंटीग्रेशन, इसे के इंटीग्रेशन y के इंटीग्रेशन क्या बन गई, y² / 2, 1 की इंटीग्रेशन y, 2 से 2 कैंसिल, इधर बन गया हमारे पास -1 और -1 नीचे आ जाएगा, ये वाली कंडीशन आ गई। अब इधर से हमारे पास नेक्स्ट फर्दर जो है वो बन गया y² + y - 1, ये नीचे आके क्या बन जाएगा 1/x, तो प्लस सी तो आपको पता है आने ही आना है। क्यों अब दोबारा आ गया, क्योंकि वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें से खत्म हो गई है, ये वाली a और b की वैल्यू, वो 3.6 और 3.7 में जो हमने क्लियर किया है। तो अब ये देखें, ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म बन गई y² + y = अब वो जो बात कर रहा था ना इनिशियल कंडीशंस की, उसमें हमारे पास इसमें फर्दर जो अब आगे आते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमने इनिशियल कंडीशंस पुट करते हैं। मतलब उसने दिया होता है कि कांस्टेंट हमारे पास अगर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5, तो इधर से आप कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल के इसमें पुट कर देते हो। मतलब लेट्स सपोज इसकी कांस्टेंट की वैल्यू ये पुट करने के बाद इसमें कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आंसर दे देता है -1, वो बाद में हमने इसकी जगह पुट करना होता है। इनिशियल कंडीशन ये दे दी होती है उसने, इनिशियल कंडीशन ये पूरा सवाल हल किया, ये इनिशियल कंडीशन दी होती है, इस जवाब में हम पुट करते हैं x की जगह और y की जगह।
एट द एंड सी की वैल्यू या टी की वैल्यू या डी की जो भी हमारे पास उसने कहा होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें ये करना है हमने, सबसे पहले इंटीग्रेशन लेने से पहले हमने हमारा काम ये होना है कि एक्स और वाई सेपरेट कर लेना है, उसके साथ जो उनका डिफरेंशियल आ रहा है उसको ले लेना है, एट द एंड हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। इंटीग्रेशन अप्लाई करने का मेथड आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फोर्थ पार्ट, फोर्थ वन। अच्छा अभी ये देखें, फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास कह रहा है वन ओवर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, और हमने किस फॉर्म में लेके आना है, y इक्वल टू सी ई की पावर एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है इसको। तो अब भी चेक करते हैं हम, अब ये देखें माइनस टू वाई दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस टू वाई। अब ये x इधर डिवाइड हो रहा है, x को भी उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया टू एक्स वाई। अब ये देखें, अब जब ये x उधर जाके मतलब x और y लेदा लेदा करने हैं, टू एक्स इधर ही रहने दिया हमने, y दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, मतलब ये पूरे का पूरा x वेरिएबल एक तरफ आ गया, y वेरिएबल एक तरफ आ गया, हमने इकट्ठे नहीं करने, सेपरेबल वेरिएबल किया है हमने। अब इसमें dy वाला आ गया, अब इसमें dx आ गया, क्योंकि अगर हम इधर ही dx लगा देते ऐसे, ये बन जाना था dy वाई टू एक्स वाई, ये चीज बन जानी थी हमारे पास। अब इस पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाते, बाय पार्ट्स रूल लगाते रहते, वो लगता जाना था, हमारा क्वेश्चन नहीं खत्म होना था, उसकी पावर एंथ तक बन जानी थी, हमारा क्वेश्चन नहीं खत्म होना था। तो इसलिए इसने क्या किया, ये सेपरेट कर लिया, वाई इधर आ गया, टू एक्स डी एक्स इधर रह गया, इसकी दोनों तरफ हमने क्या की इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव वन मौजूद है, उसको लॉग वाई में लिख दिया, टू फार्मूले वाला एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर टू, टू टू से कैंसिल। अच्छा भी अब ये जो है ना लॉग सी कांस्टेंट है ना, तो हमने बेसिकली देखना है आगे रिजल्ट की तरफ भी देखना है कि आगे क्या आ रहा है हमारे पास आंसर में, तो आंसर में हमारे पास आ रहा है आगे वाई इक्वल टू सी ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब ये देखें ई की पावर एक्स स्क्वायर, अब इधर ई का जिक्र तो कहीं भी नहीं है, हमें पता है हमारे पास एक क्वेश्चन में हमने वो 2.9 में किया था, 2.9 के एंड वाले जो लास्ट टू क्वेश्चन थे उसमें हमने किया था लॉग ई किसके बराबर होता है, वन के, तो हमें पता है ये एक्स स्क्वायर किस में आ रही है, पावर में आ रही है, इधर हमने रिजल्ट की तरफ भी देखना है पावर में आ रही है, तो हमने इसके साथ क्या लगा लिया, लॉग ई लगा लिया, लॉग का एक लॉ हमने अप्लाई किया कि लॉग से पहले जो भी टर्म होती है वो इसकी पावर में आ जाती है, वो लॉग का लॉ लगा दिया। अब जो कांस्टेंट सी सिंपल भी आप लिखते हैं ना, इधर ना ही भी लिखे, इधर आप सिंपल सी भी लिखते हैं, आप इधर जाके उसको लिख सकते थे लॉग सी, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो दरमियान में जब प्लस हो तो हम उनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इधर लॉग वाई आ रहा है दूसरी तरफ, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू सी ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्लियर है? यस सर। हमने मेन टारगेट भी देखना है ना हमारा, मतलब जाना हमने सवात था, चले हम मुजफ्फराबाद जाएं, चलो जी सैर ही करनी है, सैर तो करेंगे, वो गलत बात है, जो डिसाइड किया उधर ही जाना चाहिए फिर हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फिफ्थ पार्ट, पार्ट फिफ्थ, फाइव, ओके यस सर। ये तो बोलने का सवाल है, सीधा सीधा ये। अब ये देखें, ये फॉर्म उसने खुद ही बना के दी हुई है, अब वाई वाली ये टर्म आ रही है पूरी, अब ये पूरी टर्म दूसरी तरफ उसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी, और डी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स है तो वो क्या बन जाएगी, ऊपर जाके ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई करेंगे, नीचे वाला ये फार्मूला बन गया हमारे पास वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर वाला,
ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, जब tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये है डी वाई डी एक्स, tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये है तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास tan इनवर्स बन जाएगी। tan इनवर्स अब किस वेरिएबल में था, y वेरिएबल में, तो वो tan इनवर्स y आ गया, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c, tan दूसरी तरफ आके क्या बन गया हमारे पास, tan इनवर्स था, इधर आके सिंपल tan बन गया, y इक्वल टू tan e की पावर x प्लस c, यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कौन सा सर, 5 नीचे वाला, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है, ये नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 2 ही है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो काफी मर्तबा पेपर में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। अब ये देखें, इधर हमारे पास y में है, इधर dx जब दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये तो इधर तो x आना चाहिए था, इधर तो पहले ही y है, तो y को हमने y वाली साइड पे ले जाना है दूसरी तरफ, मतलब y और dy एक तरफ होना चाहिए, x और जितनी भी टर्म्स x की आएंगी और dx एक तरफ होना चाहिए, फिर हमने उसकी एट द एंड जाके फिर इंटीग्रेशन दोनों तरफ अप्लाई करनी है, जब ये वाला पोर्शन होगा y और dy एक तरफ, x और dx एक तरफ सेपरेबल हमारे पास हो। तो अब ये देखें dy by y और इधर, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये क्या बन जाएगा log y, और इसका क्या बन जाएगा माइनस x प्लस c, तो आंसर हमने देना था इसका y में, हमारे पास इधर आंसर किस में आ गया log में, log y आ गया, तो आंसर जब हमने देना है इसका x में तो वही काम हमने करना है log e लगा के, और कांस्टेंट वो log c ले लेना हमने, log e लगा के हमने क्या किया उसको पावर में लेके, पावर में लेके जाने के बाद प्लस था उसका, हमने क्या कर लिया दोनों को मल्टीप्लाई हो गए, ये होता है ना हमारे पास log a और b, तो बनता है ये log a प्लस log b, ये ला होता है इसका ना, log के चार कवानीन थे जो हमने मैट्रिक में डिस्कस किए हुए। यस सर, तीसरा चैप्टर था उसमें ना, तो ये आ गया हमारे पास, दोनों log log से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास y इक्वल टू ये वाला फंक्शन आ गया, पहले उसने ऊपर खुद ही बना के दिया हुआ था हमें कि ये वाली चीज हमने बनानी है, अब इधर वो कहता है आपने खुद ही मतलब इसका आंसर निकालना है, पहले हमारे सामने आंसर भी था, अब इधर हमारे सामने आंसर नहीं है, आंसर हमने बनाना है खुद, बस डिफरेंस ये है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है इसका, थ्री, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देखें, इधर y आ रहा है, मैंने क्या बोला था y और dy को अलग करना है, x और dx को अलग करना है, इधर y आ रहा है इधर फंक्शन, और डेरिवेटिव किसका आ रहा है डिफरेंशियल dx का, इधर x है तो इधर dy का, हमने क्या किया, हमने क्या किया दूसरी तरफ ले गए उसको, तो ये बन गया x माइनस माइनस x dy, तो अब y इधर से जो आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वो y के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, जो इधर x आ रहा है वो उसके नीचे जाके दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है 1, तो ये बन गया log x, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो ये बन गया माइनस log x, अब हमें नजर आ रहा था log log आ रही है टर्म, हमने वो सारे के सारे उसके कॉन्स्टेंट फार्मूला ले लिया log c, अब ये देखो log c इधर थे, ये बन जाना था इस तरह log c माइनस log y, तो जब इस सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे जब माइनस आता है तो ये ओवर में लिखते हैं c ओवर y, दूसरी तरफ log x था, log से log कैंसिल हो गया, x इक्वल टू c ओवर y, तो इधर से हमारे पास रिजल्ट आ गया x y इक्वल टू c, ये भी इसके ना जो आते हैं 2 से लेके 7 तक ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर तो उसने सारे दिए हुए हैं तो ठीक है, वो सारे इम्पोर्टेंट है शॉर्ट में। नेक्स्ट कौन सा इसका, फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर फोर में अब देखें, हमारे पास सेपरेट करना है, हमारे पास नेक्स्ट इसका स्टेप क्या करेंगे, ये बन जाएगा डी वाई और साथ ये वाई आ जाएगा, एक्स हमारे पास वन माइनस एक्स है तो इसके साथ डी एक्स आ जाएगा, इसकी भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन क्या बन गई वाई स्क्वायर ओवर टू, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास देखें इंटीग्रेशन वन की भी लेनी है, इंटीग्रेशन एक्स की भी लेनी है, एक्स की वन की इंटीग्रेशन एक्स और दूसरे की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस सी, अब टू आ रहा है सबके नीचे, टू से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू सी, टू सी को आप फर्दर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट के बराबर ही रख लें तो ये बेसिकली बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सी लिख लें तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव। ओके क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर और वाई उसने कहा है ग्रेटर देन जीरो है, तो अब ये देखें हमारे पास ये वाला पोर्शन बन गया, उसी तरह ही हमने सेपरेट करना है, वाई इधर आ रहा है वाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे डी वाई की तरफ और डी एक्स को ले जाएंगे हम एक्स वाई टर्म की तरफ, तो दोनों की इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद ये नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है लॉग वाई, ये पावर में एक ऐड कर देंगे वही पावर नीचे एक्स की पावर माइनस वन माइनस प्लस लॉग सी, लॉग में क्यों है क्योंकि वाई लॉग में आ रहा था, अगर एक्स लॉग में आ जाए तो हमने ये काम नहीं करना, अगर वाई लॉग में आता है तो ये वाला काम हमने लाजमी करना है कि लॉग ई लगा के तो उसकी पावर में ले जाएंगे, तो इधर से बन गया लॉग वाई इक्वल टू ये बन जाएगा लॉग ई की पावर माइनस वन ओवर एक्स प्लस लॉग ऑफ सी, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे सी ई की पावर माइनस वन ओवर एक्स लॉग वाई, अब वाई इक्वल टू आ जाएगा सी ई की पावर माइनस वन ओवर एक्स, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर सेवन में हमारे पास आ रहे हैं एक्स डी वाई वाई एक्स माइनस वन और डी एक्स, अब ये देखें हमने क्या किया x dy को एक तरफ रख लिया, ये दूसरा पोर्शन सारा एक तरफ जाके माइनस हो गया, अब ये देखें आपको बोला है कि अगर तो हम इसको y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे वो तो फिर डबल फंक्शन आएगा जिसकी हम इंटीग्रेशन लेंगे वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी चलती जाएगी, अब इसमें हमारे पास हमने क्या किया x dy और ये वाला पोर्शन दूसरी तरफ जाके सारा के सारा माइनस हो गया, अब ये देखें ये वाला जो x है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये वाला y मतलब y और dy एक तरफ आ गया, x वाली टर्म्स और dx एक तरफ आ गया, हमारा काम इधर सॉल्व हो गया, आगे हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन उसी तरह y और इसका सेपरेट करेंगे इसकी इंटीग्रेशन और सॉरी एलसीएम अलग अलग कर देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस पहले बाहर आ रहा है ये बन जाएगा x ओवर x माइनस वन ओवर x, ये बन गया वन माइनस वन ओवर x और ये माइनस बाहर आ रहा है सबके, अब इसकी इंटीग्रेशन है जब अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका रिजल्ट कुछ यूं बनेगा, ये हमारे पास नेक्स्ट बन गया, अब इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई लॉग वाई, वन की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी एक्स और साथ ये माइनस बाहर वाला, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है लॉग एक्स प्लस लॉग सी, अब ये देखें एक्स लॉग ई
ये क्यों लिखा है उसने, ये एक ही फंक्शन था जिसके साथ हमारे पास लॉग नहीं आ रहा, बाकी सबके साथ लॉग आ रहा है, इसकी वजह से हमने ये काम किया। अब इसके साथ नहीं था, हमने उसके साथ लगा लिया लॉग ई। अब लॉग ई हो गया तो एक्स माइनस एक्स इसकी पावर में चले जाएगा, लॉग ई की पावर माइनस एक्स। अब ये तीन फंक्शन आ रहे हैं ऐसे, लॉग ए बी और सी, तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, अब लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी। तो उसी तरह इन तीनों का जब इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद हमारे पास क्या बन गया, लॉग सी एक्स ई की पावर माइनस एक्स लॉग वाई, लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है सर, बाकी कल करेंगे, दो तीन मिनट रह गए बस मीटिंग में। चलो ठीक होगा, फिर बाकी कल कर लेंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेंगे, एक बात पूछनी थी। एक मिनट है।